अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। तो आप सिमरन सिंह हैं, भारत के क्रिकेटर हैं जो भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेलते हैं। वो पंजाब की घरेलू टीम के लिए खेले, वो एक बल्लेबाज और विकेट कीपर है। 2018 में प्रॉप सिमरन सिंह को किंग्स इलेवन पंजाब ने 4.8 करोड़ रुपए में खरीदा था। उनकी बोली रुपए के आधार मूल्य 20 लाख रुपए से शुरू हुई। उनका जन्म 10 अगस्त 2000 को पटेला पंजाब भारत में हुआ था। प्रॉप सिमरन जब स्कूल में थे तब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और वो अक्सर क्रिकेट खेलने के लिए अपनी क्लास बंक कर देते थे। वो अपने बड़े चचेरे भाई अनमोलप्रीत सिंह के साथ खेलते थे जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। प्रॉप सिमरन ने जून 2018 में अपनी उपयोगिता साबित की जब उन्होंने पंजाब के लिए खेलते हुए अंडर 23 डिस्ट्रिक्ट मैच के दौरान 301 गेंदों में 298 रन बनाए। इससे उन्हें आगामी 2019 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए चयन समिति का ध्यान खींचने में मदद मिली। प्रॉप सिमरन ने भारत की अंडर 19 टीम को 2019 अंडर 19 एशिया कप जीतने में भी मदद की। उन्होंने 7 दिसंबर 2018 को 2018 एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप में अफगानिस्तान इमर्जिंग टीम के खिलाफ इंडिया इमर्जिंग टीम के लिए अपनी लीग स्टे की शुरुआत की। बाद में उसी महीने उन्हें 2019 इंडियन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ी की नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब द्वारा खरीदा गया था। उन्होंने 21 फरवरी 2019 को 2018 से लेकर 2019 शाहिद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के लिए अपना T20 डेब्यू किया। 2020 की IPL इंग्लैंड में उन्हें 2020 इंडियन प्रीमियर लीग से पहले किंग्स इलेवन पंजाब द्वारा फिर से खरीदा गया था। फरवरी 2022 में उन्हें 2022 इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की इंग्लैंड में पंजाब किंग्स द्वारा फिर से खरीदा गया। उन्होंने 17 फरवरी 2022 को पंजाब के लिए 2021 से लेकर 2022 रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया जहां उन्होंने शतक बनाया। प्रॉप सिमरन टीमों के लिए बल्लेबाज और विकेट कीपर के पद पर खेलते हैं और वो एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानते हैं। वो उन्हें देखते हुए बड़े हुए और क्षेत्र में उनके प्रदर्शन से प्रेरित हुए। एडम के साथ साथ वो वीरेंद्र सहवाग के भी बड़े फैन हैं। प्रॉप सिमरन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं और कई खिलाड़ियों ने उनकी तकनीक की सराहना की है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too.